हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 का पर्यावरण का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घड़चीसर तालाब कितने साल पुराना था, हमें यहाँ पे भरना है जितने भी साल पुराना, 50 साल, 60 साल, 100 साल, ये बता। छोटे से बीज में से पेड़ बनता है। अरब अरूनी देश में रहने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे ये बताना। स्लॉथ कितने घंटे से होता है, तो ये बताना है जितने घंटे से होता हो। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी से पहचान लेता है, किसकी किस से पहचान लेता है बताना है। सही जो सही विकल्प देख लेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। बाघ का गुर्राना किलोमीटर 4 किलोमीटर। जीभ क्या काम करती है, तो भोजन का स्वाद बताने का काम करती है जीभ। अगला, भारत में सुनामी की लहर आई थी, 2005 में आई थी। खून की जांच की जाती है स्टेथोस्कोप से। सही जोड़ी देख लेंगे। मलेरिया का मच्छर, मृतसागर का हो जाएगा नमक, मृतसागर का। घाना नेशनल पार्क, अफ्रीका भिंडी भरतपुर, सॉरी भिंडी जो है शिकारी पौधा है। निपेथीज क्या है इसमें, भरतपुर। हाँ नहीं में उत्तर बताना है, तो ये हाँ है, ये हाँ, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ हो जाएगा। एक शब्द में उत्तर है, पौधे के पानी न मिलने पर क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा। अगर पौधे चलते हों तो क्या होता है, हमें शुद्ध वायु फल प्राप्त नहीं होते। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो ये है मृत सागर। कौन सा है, मृत सागर। यह बिल कौन से दफ्तर से आया था बताना है, जो भी बिल आया था वो कौन से दफ्तर से आया था। छठवां, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या क्या उनके नाम बताना है। ग्लूकोज का हमारे शरीर पे क्या काम होता है ये बताना है। चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू ने आम पापड़ को धूप में क्यों रखा था ये बताना है। घड़चीसर तालाब कितने बनाया था ये बताना है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब और क्यों की थी ये बताना है। अपने देश में पाए जाने वाले 4 जहरीले सांपों के नाम बताना है। बाघ अंधेरे में भी अपने शिकार को कैसे ढूंढ लेता है ये बताना है। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तुम्हारे घर में कच्चे और पके हुए आम से क्या क्या बनता है। दड़की माई कहाँ की रहने वाली थी, उन्होंने कौन सा कार्य किया था ये बताना है। शिकारी पौधे का चित्र बनाकर रंग भरना है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है।